सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर राकेश पासवान, मैं मनोचिकित्सक हूँ प्रयागराज से। आज हम लोग जिस बीमारी के बारे में बात करने के लिए आए हैं वो बीमारी बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर या बाइपोलर डिसऑर्डर के नाम से जानी जाती है। इसके नाम में ही इस बीमारी के मुख्य लक्षण जो है छिपे हुए हैं। बाइपोलर मतलब जैसे कि पृथ्वी के पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इसी तरीके से हमारे मन की भी दो अवस्थाएं होती हैं, एक अत्यधिक खुशी की अवस्था और दूसरी अत्यधिक दुख की अवस्था। तो इस प्रकार से हमारे जो मूड है, हमारा जो मन है, उसके जो भावनाएं हैं उसमें अत्यधिक खुशी और अत्यधिक दुख की दो स्थितियां हो सकती हैं। इन स्थितियों के यदि पोल माना जाए तो इस प्रकार से यदि कोई व्याधि जो व्यक्ति को सामान्य मूड के स्तर पर ना रहने दे और या तो अनावश्यक रूप से खुश कर दे या अनावश्यक रूप से दुखी कर दे को बाइपोलर डिसऑर्डर बोला जाता है। बाइपोलर डिसऑर्डर में जो प्रमुखता पाए जाने वाले लक्षण हैं वो अगर व्यक्ति बहुत अधिक खुश हो जाता है, बहुत अधिक उत्तेजित हो जाता है तो उस अवस्था को उन्माद या मैनिया बोला जाता है। और उन्माद की दशा में व्यक्ति अत्यधिक खुश होता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, अत्यधिक सेक्सुअल बातें करता है, धार्मिक प्रवृत्ति उसमें बहुत अधिक हो जाती है, कम सोता है और थोड़ी ही नींद में उसको फ्रेशनेस महसूस होती है। इसी प्रकार से गुस्सा करता है, चिड़चिड़ापन करता है, लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, कार्य करने में असमर्थ हो जाता है और सामाजिक जो भी उसके रिश्ते होते हैं उनमें भी दिक्कतें आने लगती हैं। इस प्रकार के लक्षण यदि 7 दिन से लगातार उपस्थित होते हैं तो व्यक्ति को ये माना जाता है कि उसमें उन्माद या मैनिया के लक्षण हैं, जो बाइपोलर डिसऑर्डर का एक प्रकार है। इसी प्रकार से बाइपोलर डिसऑर्डर का एक दूसरा प्रकार होता है जिसमें व्यक्ति उदास हो जाता है, उसका किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता है और निराशाजनक बातें करता है, अपने आप को कमतर आंकता है, आत्महत्या की प्रवृत्ति उसमें विकसित हो जाती है, अपने को शक्तिहीन और बलहीन महसूस करने लगता है। इस अवस्था को बाइपोलर का डिप्रेसिव पोल या उदासात्मक व्याधि कहा जाता है। इस प्रकार से जो ये अवसाद की स्थिति है और जो उन्माद की स्थिति है, बीमार व्यक्ति का मन उन्माद से अवसाद की तरफ और अवसाद से उन्माद की तरफ आता जाता रहता है। व्यक्ति का मन एक जगह स्थिर नहीं रहता और सामान्य चैतन्य मन जिस तरह होना चाहिए उस प्रकार से नहीं रह पाता है। इसी व्याधि को बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर में ये उन्माद और अवसाद के जो चक्र हैं ये कई कई बार आते रहते हैं। कुछ समय ऐसा भी होता है जब व्यक्ति लक्षण विहीन होता है और सामान्य रहता है, लेकिन थोड़े समय बाद ही ये उसका सामान्य स्वभाव बदल कर या तो उन्माद की अवस्था में पहुंच जाता है या अवसाद की अवस्था में पहुंच जाता है। ये तो हो गया बीमारी के लक्षण। अब इस बीमारी के लक्षण के चिन्हित करने के बाद हमको क्या उपचार के बारे में सोचना चाहिए, इस प्रकार के लक्षणों से किस प्रकार की हानियाँ होती हैं ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। यदि व्यक्ति को बाइपोलर डिसऑर्डर है तो व्यक्ति के सामाजिक और ऑक्यूपेशनल यानी कि आर्थिक और सामाजिक जो उसका दायरा है वो प्रभावित होता है और व्यक्ति ना तो कमा पाता है ना ही समाज में एक अपनी भूमिका को सही से निर्वाह कर पाता है। इस प्रकार से ये एक प्रकार का गंभीर मनोरोग है जो व्यक्ति को तुरंत ही उपचारित कराना आवश्यक है। अगर व्यक्ति को ये या आपके घर परिवार में किसी को बाइपोलर डिसऑर्डर जैसे लक्षण प्रतीत होते हैं तो तुरंत व्यक्ति को लेकर के मनोचिकित्सक से मिलना चाहिए, क्योंकि कभी कभी उन्माद या मैनिया की अवस्था में व्यक्ति स्वयं और दूसरों के लिए हानिकारक हो जाता है और उसको या किसी अन्य को उसकी वजह से क्षति ना हो, इसलिए उसको सही समय पर उपचारित कराना बहुत आवश्यक होता है। उपचार की बात यदि करें तो उपचार 2 प्रकार के संभव हैं। पहले उपचार है जो कि दवाओं के माध्यम से किया जाता है और इसको फार्माकोथेरेपी कहते हैं। दूसरा उपचार है जो कि काउंसलिंग के माध्यम से, साइकोथेरेपी के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से किया जाता है। दोनों ही उपचारों को संगठित रूप से एक साथ मिलकर प्रयोग करने से
बहुत अच्छा परिणाम आता है और व्यक्ति बिल्कुल लक्षण विहीन हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि हम जो बाइपोलर डिसऑर्डर है उनको, वो बाइपोलर डिसऑर्डर हमको होता क्यों है और हम इससे किस प्रकार से बच सकते हैं। तो बाइपोलर डिसऑर्डर के होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें तनाव एक कारण है जो कि प्रमुख रूप से देखा जाता है। इसके अलावा व्यक्ति में आनुवंशिक रूप से भी बाइपोलर डिसऑर्डर के लक्षण पाए जाते हैं। कई बार परिवारों में माता पिता, नाना नानी, चाचा चाची इत्यादि को भी उसी प्रकार के लक्षण होते हैं जिस प्रकार से मरीज को लक्षण पाए जाते हैं। इस प्रकार से आनुवंशिक लक्षण, आनुवंशिक कारण भी उत्तरदायी कारण हो सकते हैं। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो सामाजिक कारण और दूसरे तरीके के और भी कारण हो सकते हैं। कभी कभी मानसिक चोट या नशे की वजह से भी बाइपोलर डिसऑर्डर के लक्षण विद्यमान हो जाते हैं। यदि अब सवाल ये उठता है कि बाइपोलर डिसऑर्डर से हम अपने आप को किस प्रकार से बचा सकते हैं, निसंदेह स्वस्थ जीवन शैली अपना करके काफ़ी हद तक अपने आप को हम मनोरोगों से बचा सकते हैं, जिसमें प्रमुखता है लेज़र टाइम, जब व्यक्ति अपने लिए समय निकाले, अपने आप को मनोरंजन के साधनों के साथ और प्रतिदिन समाज और परिवार के साथ एक सामंजस्यपूर्ण वातावरण बनाकर रखे। इसके अलावा यदि उसकी नींद डिस्टर्ब है या वो तनाव में है तो प्रारंभिक स्तर पर उसका उपचार करवाए। योगा एक्सरसाइज वगैरह का भी बहुत अच्छा योगदान है। इसके अलावा पौष्टिक आहार भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए हम अपने आप को मानसिक रूप से स्वस्थ रख सकते हैं, जिससे कि हमारा जो मनोदशा है वो स्वस्थ बनी रहे। ये सब बातें ध्यान रखने के बाद यदि ये भी जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि यदि किसी व्यक्ति को मनोरोग, इस प्रकार का मनोरोग है ये जिसको हम बाइपोलर डिसऑर्डर के अंतर्गत क्लासिफाई करते हैं, तो तुरंत से तुरंत उसे उपचार के लिए प्रेरित करना चाहिए। धन्यवाद।